हमारा YouTube चैनल गजब ऑनलाइन। गाइस तो आज शुक्रवार है और आज शुक्रवार के दिन मेरा फास्ट रहता है माता वैभव लक्ष्मी का। चाय बनने के लिए रख दिए। चलिए अभी फ्रिज में देख लेती हूँ कि खाने के लिए क्या फ्रूट्स है। और मैं तरबूज वगैरह भी फ्रिज में रखा हुआ है मॉर्निंग से, तो बहुत ज्यादा ठंडा हो गया होगा तो मैं इसको भी निकाल के बाहर रख देती हूँ। ये तरबूज है, मम्मी ने काट, मम्मी जब भी तरबूज लाते हैं घर पे तो मम्मी पूरा तरबूज काट के अच्छे से छोटे छोटे पीस करके ऐसे डब्बे में करके रख देती हैं ताकि आपको जब भी खाना हो, खाने का मन हो तो आप निकाल के आराम से खाओ, काटने वाटने का झंझट बार बार ना रहे। तो फिलहाल ये अपने लिए मैं तरबूज निकाल के रख देती हूँ और सुमित के लिए मैं रख देती हूँ जूस। सुमित को दिन में एक बार जूस भी दिया जाता है। तो फिलहाल अभी हमारी चाय खौलने लगी है, इसमें दूध डाल देते हैं। गाइस तो इस समय गर्मी इतनी ज्यादा है कि दोपहर में कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस दूंगी कि धूप में कम से कम निकलें और इस भयंकर तपती हुई गर्मी से प्लीज अपना बचाव करें। तो दोस्तों आज शाम के खाने में मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए, मम्मी के लिए, सुमित के लिए, सभी के लिए साबुदाना वड़ा। जी हाँ, ये फास्ट का खाना होता है। फास्ट में हम साबुदाना वड़ा खा सकते हैं, उसमें सेंधा नमक डाला हुआ होना चाहिए। जो नॉर्मल नमक हम रेगुलर यूज करते हैं वो नमक हम नहीं ले सकते, तो सेंधा नमक डालकर मिक्स करके आज मैं बनाने वाली हूँ साबुदाना वड़ा। और आपको शाम को दिखाऊंगी भी कि मैं साबुदाना वड़ा किस तरह से बना रही हूँ। तो आज फास्ट में शाम को मैं जो खाऊंगी वही सब लोग खाएंगे, मम्मी, अंकित, सुमित सभी साबुदाना वड़ा खाएंगे। और सभी को यहाँ पे साबुदाना वड़ा बहुत 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 पसंद है, सब बहुत खुश होके खाते हैं। तो आज शाम को बनने वाला है साबुदाना वड़ा। चाय हो चुकी है, चाय पी चुके हैं हम। तो अभी ये चाय पी तो अभी ये चाय पीने के बाद मैं अपना ये फ्रूट्स और ये सुमित का जूस भी वहीं लेके रख लूँगी और थोड़ी देर बाद खाऊंगी, और सुमित को भी जूस थोड़ी देर के बाद ही दूंगी। और इसके बाद मैं अब करीब 1.5-2 घंटे अपना वीडियो एडिटिंग का काम करूँगी, क्योंकि शाम से फिर सुमित को ऑफिस स्टार्ट हो जाता है तो फिर शाम को मुझे लैपटॉप नहीं मिल पाता है। तो अभी दोपहर में ही मैं अपनी एडिटिंग का सारा जो काम होता है वो दोपहर में ही निपटा लेती हूँ। तो अभी 1.5-2 घंटे के लिए मैं अपना वीडियो एडिटिंग का काम करूँगी। उसके बाद एडिटिंग ख़त्म करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और थोड़ा फिर मुझे बाहर कॉम्प्लेक्स में भी जाना है, थोड़ा काम है। और उसके बाद फिर शाम की मैं माता लक्ष्मी की पूजा की तैयारी करूँगी, उनका प्रसाद, उनका भोग बनाऊँगी और उनकी पूजा करूंगी। तो चलिए फिलहाल अभी मैं अपना जल्दी से वीडियो एडिटिंग का काम शुरू कर देती हूँ।
तो दोस्तों फिलहाल अभी मेरा जो एडिटिंग का काम था वो हो गया है। पूरा 1.5 घंटा लगा मुझे, तो अभी मैंने एक वीडियो एडिट करके पूरा कंप्लीट कर दिया है। अभी फ्री हो गई हूँ और थोड़ी थकान भी हो गई है, नींद भी आ रही है, लेकिन अभी सोने का टाइम नहीं है। सो गाइस, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी फिर से उठूँगी और शाम की चाय वगैरह बनाऊँगी और अपने शाम की पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि शाम की पूजा मुझे 6 बजे तक कर लेनी है। सूरज ढलने से पहले लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी माता की पूजा होती है, तो अभी 20-25 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं फिर शाम की पूजा की तैयारी करूँगी। माता जी का प्रसाद भोग और जो भी तैयारियाँ हैं वो सब करनी है। वो फिर दोस्तों अभी मेरी शाम की वैभव लक्ष्मी माता की पूजा हो चुकी है, हम लोगों ने प्रसाद भी खा लिया है। तो चलिए अभी हमें शाम के खाने की तैयारी करनी है और शाम को आज खाने में हम बनाने वाले हैं साबूदाना वड़ा, तो सभी के लिए वही बनेगा, तो अभी उसकी तैयारी में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए बस आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Bye-bye.